अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको बिन दाऊद का टूर कराऊंगा, मदीने का जो बिन दाऊद स्टोर है और मस्जिद के बिल्कुल पास है, मस्जिद नबवी के। यहाँ से आप देखें, ये सामने गेट नंबर 329 है मस्जिद नबवी का। तो ज़ूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको, गेट नंबर 329 ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, आपको राइट साइड पे नज़र आएगा ये होटल, जिसका नाम है अल तैबा फ्रंट होटल। और इसी होटल के अंदर बिन दाऊद है, लेकिन सामने ऊपर साइन लगा हुआ है। और एक बिन दाऊद जो है वो सामने आपको मूविन पिक होटल नज़र आ रहा है, जो कि हमारा होटल है इस साल। इसकी बेसन में भी एक बिन दाऊद मौजूद है, उसको भी अगर आपने चेक करना हो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आमने सामने तकरीबन आप कह लें एक ब्लॉक का ही डिफरेंस है। ये बीच में एक होटल है दारुल ईमान, और आप कह लें कि एक एक होटल के डिफरेंस पे बिन दाऊद मौजूद है। अभी हम इस वाले में जाते हैं, देखें किसी ने माशाल्लाह सबील के लिए पानी रखा हुआ है यहाँ पे। अल्लाह पाक इनको सवाब जारिया अता करे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे खजूरें और पानी अल्लाह की राह में सदका करते हैं, ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं वो अपनी प्यास बुझाएं, अपनी भूख बुझाएं। अच्छा, देखें ये सामने स्टोर्स भी हैं आसपास। हम आपको बिन दाऊद लेके चलते हैं। ये देखें, ये अलमजीदी कमर्शियल सेंटर है, यहाँ से एंटर हम करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, देखें सामने एलिवेटर है, आप एलिवेटर लेके भी जा सकते हैं और आप स्टेयर से भी जा सकते हैं। और देखें नीचे बिन दाऊद है, हम लोग स्टेयर्स लेके जाते हैं। इस साइड पे एस्केलेटर भी हैं। ये देखें यहाँ पर एस्केलेटर है, एस्केलेटर से चलते हैं। ये भी हम सेकंड एस्केलेटर लेके जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल इनके जो ग्राउंड फ्लोर है बेसमेंट में बिन दाऊद मौजूद है। ये देखें जानमाज वगैरह और हर किस्म की चीज़ देखें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। आपने शॉपिंग करनी है या आपने आके सिर्फ स्टोर ही देखना है, आप देख के जा सकते हैं। टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, एहराम हैं। ये देखें बाहर से एक अच्छी प्राइस में एहराम मिल जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप 8-10 शॉप्स वगैरह घूम कर एहराम लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो है वो मिल सकता है। मैं भी आपको क्विक बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिन दाऊद की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। मक्का का जो बिन दाऊद है, जो मस्जिदुल हराम यानी काबे के पास है, वो ज़रा डिटेल वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेन इनका जो अंदर जो स्टफ़ वगैरह वो सेम होता है, इट्स जस्ट द साइज़ ऑफ द स्टोर। कुछ स्टोर जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, मक्के का जो था वो बहुत बड़ा है ये देखें, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, देखें सामने फ्रूट्स वगैरह का सेक्शन है, वेजिटेबल फ्रूट्स, और तकरीबन हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें चीज़ होगी, लबान्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अगर आपने डोनेशन वगैरह करनी है, आप यहाँ से लबान लेकर अल्लाह की राह में डोनेट कर सकते हैं। देखें ये खजूर वाला भी, और ज़्यादातर जो हम करते हैं वो ये मैंगो की करते हैं। लबान यानी आप लस्सी कह लें, हमारी ज़ुबान में इसको लस्सी कहते हैं। और आप ये देखें, ये 6-6 का सेट बना होता है और तकरीबन 1 रियाल या 1.5 रियाल का ये पड़ता है, और जो बड़ा है वो तकरीबन 2.5 से 3 रियाल का है। तो आप यहाँ पर ये भी एज अ सबील दे सकते हैं, जो लोग हैं यहाँ पर ज़ायरीन आए हैं आप उनको लबान पिला सकते हैं। बहुत गर्मी यहाँ पे होती है, अगर आप खिलाएंगे उनको पिलाएंगे, ये ठंडी ठंडी लबान पिलाएंगे, तो इंशाल्लाह
वो ठंडे होंगे और आपको भी उसका सवाब मिलेगा। देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें ये ऑयल वगैरह भी यहाँ पे हैं, किसी भी किस्म के ऑयल्स आपको चाहिए वो भी यहाँ पे मिलते हैं। ये देखें पाकिस्तानी स्टाइल की जो बोतलें हैं पेप्सी और मिरिंडा वगैरह वो भी यहाँ पर हैं। ये डिस्पोजेबल स्टफ, और ये फ्रीज स्टफ है। ये देखें फ्रीज फ्रूट भी हैं, आप इनको अनफ्रॉस्ट करें और उनको आप इजीली खा सकते हैं। ये खजूरें हैं, नोटेला, ये देखें यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, डिफरेंट बोतलें हैं। ये ऑलिव ऑयल 13 रियाल की है, ये 28 की है, और जो बड़ी बोतल है ये 56 रियाल की है। ये देखिए कैंडीज वगैरह का सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट कैंडीज हैं। सामने जो है वो खजूर की बनाई हुई आइटम्स हैं, बादाम वाली और इस तरह डिफरेंट जो है ना खजूर के अंदर फिलिंग की हुई है। देखें माशाल्लाह डेकोरेशन स्टफ है। ये सामने चेयर्स भी पड़ी हैं, लोग लेके डोनेट करते हैं। देखें ये बिन दाऊद की चेयर, लेकिन ये देखें यहाँ पर 55 रियाल के दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यही चेयर बाहर जो मैंने आपको फ्रंट पे दुकानें दिखाई हैं वहाँ से आप लेंगे तो आपको 30 रियाल के मिल जाएगी, 30 रियाल 25 की भी मिल जाती है लेकिन ढूंढनी पड़ती है। तो 25 से 30 रियाल में आपको ये बाहर से मिल जाएगी तकरीबन हाफ रेट में, और ये वाली जो है इस तरह की चेयर ये बाहर से तकरीबन 45 से 50 रियाल में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइसेस आप कह लें कि आलमोस्ट डबल है इन चेयर्स की। इतनी ही प्राइस में आप दो चेयर्स डोनेट कर सकते हैं अगर आप बाहर चलें तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता होता और वो ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह छोटी छोटी सी पानी गर्म करने वाली केतलियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है हर चीज़ की, जिस सेक्शन में भी आप जाएं आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। बस जैसे मैंने आपको कहा कि मेन मकसद मैंने बस आपको क्विक यहाँ का टूर कराना था, और अगर आप यहाँ पर आएँ मदीना में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लेकर आए तो आप गेट नंबर 329 से निकलें और जो तैबा फ्रंटल होटल है उसकी बेसमेंट के अंदर ये मौजूद है, और अगर आप गेट नंबर 328 से निकलें तो मूविन पिक अनवारुल मदीना मूविन पिक जो होटल है उसकी बेसमेंट में भी एक बिन दाऊद मौजूद है। दोनों का साइज़ अच्छा है, यानी रीज़नेबल बड़ा साइज़ है, मक्के वाले बिन दाऊद से छोटा है, लेकिन फिर भी अभी आपने देख लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टफ है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।